हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद धाकड़ और वेलकम टू धाकड़ एकेडमी। इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे अपना पास्ट टेंस के साथ। पास्ट टेंस सिंपल है आपका, जब भी कोई चीज हो जाती है या हो चुकी होती समय के रिगार्डिंग, तो उसको हम कहते हैं पास्ट टेंस। तो हम इस वीडियो लेक्चर में सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब सिंपल पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है? तो अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में था, थी, थे आता है, या फिर ऐसे आ, ई या ए की मात्रा आती है, तो वो आपका टेंस सिंपल पास्ट टेंस कहलाता है। अब आते हैं दूसरा, हेल्पिंग वर्ब। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। तो एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, इसका मतलब ये है कि आपका चाहे वो फर्स्ट ग्रुप हो चाहे सेकेंड ग्रुप हो, सभी में आपका किसका यूज होगा? ऑब्वियस सी बात है, डिड का यूज होगा। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजिंग सिस्टम ही नहीं है। अब इसके बाद आते हैं मेन वर्ब पे। तो भाई यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना है और इस चीज को समझना है कि आपका इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म भी यूज होता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी यूज होता है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, सिंपल सेंटेंस में, मतलब सिंपल पास्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। तो जब हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, तो आपका यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होगा, और बाकी के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा और हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो समझ गए आप, सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा और बाकी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ध्यान रखिएगा और इस बात को नोट कर लीजिएगा कि आपका जो वर्ब का सेकंड फॉर्म टेंस में केवल सिंपल पास्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस में ही होता है, इसके अलावा कहीं नहीं होता है। तो सबसे पहले हम आएंगे इसके फॉर्मूले पर। तो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसी तरीके से हम आएंगे, अब उसने खाना खा लिया था या उसने खाना खा लिया, तो ही वर्ब का सेकंड फॉर्म खाना खाना मीन्स ईट, इसके बाद आता है एट, तो ही एट फूड, ही एट फूड। वो चला गया था, वो चला गया या वो चला गया था, तो वो ही जाना मीन्स गो, तो सेकंड फॉर्म वेंट, ही वेंट। समझ में आया? ठीक है, अब हम आगे के सेंटेंस पे आते हैं। मैं भूल गया था, मैं भूल गया था, तो आई फॉर फॉरगेट इज अ फर्स्ट फॉर्म, तो फॉरगॉट इज अ सेकेंड फॉर्म, आई फॉरगेट, आई फॉरगेट। आपने आपका काम किया था, आपने आपका काम किया था। यू काम करना, किसी चीज को करना डू कहलाता है, तो सेकेंड फॉर्म आएगा डिड। यू डिड योर वर्क, यू डिड योर वर्क। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह कि आप कहेंगे कि जो डिड है, डिड यहाँ पर डू का सेकेंड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने कहा कि इसमें यूज ही नहीं होता आपका हेल्पिंग वर्ब, तो ये डिड क्यों आया? डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डिड यहाँ पर आपका मेन वर्ब है, तो इस चीज का ध्यान रखा जाए। तो इसी के साथ आपके सिंपल सेंटेंस फिनिश होते हैं। अब मैं आता हूँ नेगेटिव सेंटेंस पर। तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जी हाँ, आपको पता ही है कि जब भी आपको नेगेटिव बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या लगा देना होता है? आपको नॉट लगा देना होता है। चलिए तो हम पढ़ते हैं आगे सेंटेंस के साथ। आपने आपका काम नहीं किया था, आपने आपका काम नहीं किया था। यू हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड है, तो यू डिड नॉट, या यू अगर इसको एब्रिवेशन करें यू डिडंट या यू डिड नॉट डू, मेन वर्ब और का फर्स्ट फॉर्म डू। यू डिडंट डू योर वर्क, यू डिडंट डू योर वर्क। तुमने गाना नहीं गाया, तुमने गाना नहीं गाया। यू, अब नेगेटिव आएगा तो यू डिडंट सिंग अ सॉन्ग, यू डिडंट सिंग अ सॉन्ग। उसने खाना नहीं खाया था, उसने खाना नहीं खाया था, तो ही डिडंट ईट फूड, ही डिडंट ईट फूड। तो इसी के साथ आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया और गाइज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस मींस क्वेश्चन वाले सेंटेंस, प्रश्नवाचक सेंटेंस पर। तो आपको जब भी प्रश्न बनाना होगा, तो आप क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, देन आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्वियस सी बात है। तो चलिए अब हम सेंटेंस बनाते हैं। क्या आपने खाना खाया था, क्या आपने खाना खाया था, तो डिड यू ईट फूड, डिड यू ईट फूड, डिड यू ईट फूड। क्या मैंने गाना गाया था, क्या मैंने गाना गाया था, डिड
आई सिंग अ सॉन्ग, डिड आई सिंग अ सॉन्ग, क्या तुमने चाय पी थी, क्या तुमने चाय पी थी, डिड यू टेक टी, या डिड यू हैव टी, या आप तो हैव बोल सकते हैं, आप यहाँ पे टेक यूज कर सकते, दोनों ही यहाँ पर सही है, तो डिड यू हैव टी या डिड यू टेक टी। तो इसी के साथ आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है गाइस, और आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यहाँ पर क्वेश्चन भी और नहीं भी है। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, पहले आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब, देन आपका सब्जेक्ट, फिर आपका नॉट, फिर आपका आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, या फिर आप बोल सकते हैं डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या मैंने खाना नहीं खाया था, क्या मैंने खाना नहीं खाया था, तो डिडंट आई ईट फूड, या डिड आई नॉट ईट फूड, दोनों ही सही है आपके, जैसे आपको यूज करना आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरी मान्यता आप डिडंट करेंगे ज्यादा बेहतर है। क्या उसने गाना नहीं गाया था, क्या उसने गाना नहीं गाया था, तो क्या होगा, डिडंट ही सिंग अ सॉन्ग, डिडंट ही सिंग अ सॉन्ग, डिडंट ही सिंग अ सॉन्ग। तो इसी के साथ आपका ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस भी फिनिश होते हैं। तो होप यू गाइस आपको ये पूरा सिंपल पास्ट टेंस समझ में आ गया होगा, आप इसकी प्रैक्टिस करें, जो भी आपको डाउट है फीडबैक बॉक्स में जरूर लिखें, और आप बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको इससे क्या हेल्प मिली और आपने कितना सीखा। इसी के साथ जो प्रेजेंट टेंस है आपने बार बार प्रैक्टिस करें, और साथ में पास्ट टेंस को लेकर चलें, बिल्कुल कुछ भी नहीं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है, बाकी सब कुछ वही है, यही होता है जादू। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।